हाय फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल एडिट फॉर यू। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो हम जानेंगे आप इस तरह के लोगो कैसे क्रिएट कर पाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा भाई ने मैसेज किया था इंस्टाग्राम में कि आपका जो इंस्टाग्राम का लोगो है वो कैसे क्रिएट किया था। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स बताऊँगा इस तरह के लोगो कैसे क्रिएट कर पाएंगे पिक्सेल लैब एप्लीकेशन का यूज़ करके। तो इसके लिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, इस तरह की लोगो क्रिएट करने के लिए पहले आपको मोबाइल में पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरह कुछ इंटरफेस देखने मिले। अब जो न्यू टेक्स्ट लिखा है उसके ऊपर डबल टैप करना है। करने के बाद उसको आपको इरेज करना है। इरेज करने के बाद आपका जो भी चैनल का नेम है आपको कैपिटल लेटर में इस तरह आपको लिख लेना है। उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद फॉन्ट में जाना है। जाने के बाद आपको फॉन्ट का लिंक जो है मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपको जो फॉन्ट है उसको पहले डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद पिक्सेल लैब में आपको ऐड कर लेना है। अगर आपको पता नहीं पिक्सेल लैब में कैसे फॉन्ट ऐड किया जाता है, तो फॉन्ट आपका वीडियो मिल जाएगा आई बटन में, वीडियो देख के आप ऐड कर सकते हैं। तो ये वाला जो फॉन्ट है आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करना है, जो कि इस तरह कुछ दिखाई देखने मिलेगा। उसके बाद टेक्स्ट साइज़ में आना है। आने के बाद टेक्स्ट साइज़ को आप जितना बड़ा रखना चाहते हैं अपने हिसाब से उसको आपको सेट कर लें। तो इसको मैं थोड़ा इतना रख लेता हूँ। उसके बाद राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको रिलेटिव पोजिशन में जाना है। आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है। उसके बाद फाइव वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये बीचों बीच आ जाएगा, देख सकते हैं इस तरह आ जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद साइड में आना है। साइड में आने के बाद इधर से एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो कि देख सकते हैं टेक्स्चर। तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये जो इमेज का आइकन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका गैलरी ओपन हो जाएगा, आपको इमेज मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। वो इमेज को पहले डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको वो इमेज को आपको एक एक करके ऐड कर लेना है। तो इस तरह आपको क्या करना है, पहला जो इमेज है ये वाला जो कि सिल्वर वाला, ये वाला आपको इमेज को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, जो कि इस तरह कुछ दिखाई देगा। उसके बाद आपको राइट क्लिक कर लेना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको इधर से साइड में आने, आने के बाद इधर से आपको शैडो में जाना है। शैडो में जाने के बाद शैडो को आपको इधर से इनेबल कर लेना है। उसका ऑपोसिटी आपको 100 रहने देना है। उसके बाद ब्लॉर रेडियो से आपको उसको 50% कर लेना है, जो कि इस तरह कुछ देखने मिलेगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद इसका कुछ भी इधर से कुछ भी चेंज नहीं करना है। उसको आपको फिर से राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से साइड में जाना है। देख सकते हैं ये एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है एम्बोस, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करना है तो उसको आपको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद ये जो 90 डिग्री है उसको आपको क्या करना है, जैसे 160 डिग्री परफेक्टली सिलेक्ट कर लेना। तो जैसे मैं 160 कर लेता हूँ, तो इतना आपको रख लेना 160 करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद उसके जो देख सकते हैं जैसे इंटेंसिटी वो 60 और उसका 50, और उसको कुछ भी चेंज नहीं करना है। उसका जैसे है वैसे रहना है। सिर्फ आपको जैसे जो लाइट एंगल है उसको आपको 160 डिग्री कर लेना है। उसके बाद राइट क्लिक करना है, जो कि इस तरह कुछ दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपको साइड में आना है। आने के बाद इधर से देख सकते हैं ऑप्शन दिखाई दे रहा है 3D टेक्स्ट, तो उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसको आपको इधर से इनेबल कर लेना है, जो कि इस तरह कुछ दिखाई देगा। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद डेप्थ है 7 है, उसको आपको इधर से 1 कर लेना है। उसके बाद नीचे आना है। आने के बाद इधर से दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं जो कि ऑटो दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, इधर से जो डार्कन है वो 30% रहने देना है। उसको कुछ भी चेंज नहीं करना है, चेंज नहीं करना है। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के देख सकते हैं ये जो देख सकते हैं लाइट एंगल 160 है, उसको आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इधर से 45 डिग्री परफेक्टली कर लेना। और कुछ भी चेंज आपको इधर से नहीं करना है, सिर्फ आपको इधर से 45 डिग्री कर लेना, और बाकी जितना जैसा है वैसे रहने देना है, और इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे राइट क्लिक करना है, जो कि इस तरह कुछ दिखाई देगा। सो फ्रेंड, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसके ऊपर एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद आपको जैसे कॉपी कर लेना है, जो कि एक कॉपी जैसे हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको देख लेना है कि आपका जो लेयर आपने ऐड किया वो कौन सा है। तो देख सकते हैं ये जो हमारा नीचे वाला है, ये नीचे वाला, ऊपर वाला जो है ये हमने जो कॉपी किया ये ऊपर वाला है। तो उसके ऊपर क्लिक करना है। पहले आपको क्या करना है, आपको इधर से जो नीचे वाला है उसको आपको लॉक कर लेना है। देख सकते हैं ये जो लॉक का सिंबल है, आपको ये नीचे वाला लॉक कर लेना है। उसके राइट क्लिक करना है। उसके बाद ये जो पहला ऊपर वाला है उसके ऊपर क्लिक करना है। रिलेटिव पोजीशन में जाके आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है। फिर से 5 वाला क्लिक करेंगे तो ये पीछे जितना है उतना पूरा परफेक्टली बैठ जाएगा। उसके बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करना है, इधर से आपको स्लाइड जाना है। जाने के बाद इधर से एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं मास्क। तो उसके ऊपर आपको पहले आपको क्या करना है, इधर से जो आपने अभी सिलेक्ट किया आपको ऊपर वाला को सिलेक्ट करना है। उसके बाद टेक्स्चर में जाना है। जाने के बाद जो इमेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है देख सकते हैं, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये गोल्ड वाला जो है उसको सिलेक्ट करना है, जो कि इस तरह कुछ दिखाई देगा। उसके बाद राइट क्लिक करना है तो ये गोल्ड हो जाएगा। उसके बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको स्लाइड में आना है। इधर से आपको दिखाई दे रहा है एक ऑप्शन मास्क, तो आपको मास्क जो है उसके ऊपर क्लिक करना है। इस तरह कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो बिंदी है इस तरह स्लाइड करके ऊपर ले लेना। ये जो बिंदी है उसको स्लाइड करके आपको इसको कॉर्नर में अच्छी तरह से सेट कर लेना। उसको बीच में अच्छी तरह से उसको एडजस्ट कर लेना है परफेक्टली, जैसे कि ये परफेक्टली मैच हो जाए। तो इतना आपको रख लेना है। रखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपको इनेबल कर लेना है। ये इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो देख सकते हैं इन है आउट है, तो आउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह ये जो कि परफेक्टली कॉट हो जाएगा। उसके बाद राइट क्लिक करना है तो
तो देख सकते हैं इधर से हमारा पूरा परफेक्टली कॉट हो गया। उसके बाद आपने अभी जो किया उसके ऊपर टैप करना है, जो गोल्ड वाला टैप करने के बाद आपको इधर से 3D टेक्स्ट में आना है और इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, 3D टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उसको नीचे आना है और डेप्थ है आपको क्या करना है, इधर से आपको 10% आपको इधर से परफेक्टली कर लेना है सिलेक्ट। उसके बाद आपको नीचे आना है, जो कलर है कलर में जाके इधर से आपको ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेना है, तो इस तरह कुछ दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे जो डार्केन 30% है उसको आपको जैसे जीरो कर लेना है, तो जैसे मैं जीरो कर लेता हूँ जो कि इस तरह कुछ दिखाई देगा। उसके बाद और कुछ भी चेंज नहीं करना, इतना आपको रख लेना है। उसके बाद राइट क्लिक करना है, तो ये हो गया देख सकते हैं हमारे इधर से। उसके बाद आपको बैकग्राउंड जो कि इमेज ऐड करना है, तो उसके लिए प्लस आइकन जाना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है, इमेज का लिंक मिल जाएगा, तो ये इमेज को सिलेक्ट करना है, उसके बाद राइट क्लिक करना है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन में जाना है, साइड में आना है, रिलेटिव साइज उसके ऊपर जाके उसको आपको फुल स्क्रीन कर लेना है, उसके बाद राइट क्लिक करना है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन में जाना है, ये जो इमेज है इस तरह होल्ड करके रख के उसको आपको नीचे इस तरह स्लाइड कर लेना है। तो देख सकते हैं इस तरह हमारा पूरा इधर से चैनल का लोगो क्रिएट हो गया। तो इसके ऊपर क्लिक करके आपको तीनों जो लेयर है उसको आपको लॉक कर लेना है। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर से प्लस आइकन जाना है, टेक्स्ट में जाना है, जाने के बाद न्यू टेक्स्ट आएगा उसके ऊपर क्लिक करके उसको आपको इरेज करना है। इरेज करने के बाद आपका जो भी चैनल का नेम है इधर से आपको लिख लेना है, तो इधर से मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद राइट क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है, जाने के बाद आपको जैसे ये फॉन्ट में जाना है, जाने के बाद आपको ये वाला फॉन्ट जो है आपको सिलेक्ट करना है। फॉन्ट का लिंक आपको दोनों फॉन्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेमन मिल्क बोल्डी वाला फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद राइट क्लिक करना है जो कि इस तरह कुछ दिखाई देगा, उसको पहले आपको छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद ये जो लोगो है उसके नीचे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एडजस्ट करने के बाद स्लाइड में आना है, देख सकते हैं स्पेसिंग, तो उसके ऊपर क्लिक करके थोड़ा आपको टेक्स्ट को स्पेस दे, जो कि 11% आपको जो कि स्पेसिंग कर लेना है। उसके बाद राइट क्लिक करना है, उसके बाद स्लाइड में जाना है, जाने के बाद आपको रिलेटिव पोजीशन में जाके ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये परफेक्टली बीच में आ जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद साइड में जाना है, जाने के बाद 3D टेक्स्ट है उसको आपको इनेबल कर लेना है। उसके बाद आपको इधर से नीचे आना है, कलर में जाके ब्लैक कलर को सिलेक्ट करना है। उसका जो डेप्थ है आपको इधर से 1% रख लेना है और कुछ भी इधर से चेंज नहीं करना है। राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपको इधर से शैडो में जाना है, शैडो में जाकर शैडो को आपको इधर से इनेबल कर लेना है। तो देख सकते हैं इधर से फाइनली हमारा इधर से चैनल का लोगो क्रिएट हो गया। उसके बाद आपको इधर से सेव करना है, तो सेव करने के लिए इधर सिंपली सेव ऑप्शन जाना है, सेव एज ए इमेज डिफॉल्ट में जाके उसको आपको अल्ट्रा में सेव करना है। सेव करने के बाद सेव टू गैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो लोगो है आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। उसके बाद इस लोगो को कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। फ्रेंड लोगो को राउंड शेप देने के लिए फिर से आपको पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसको टेक्स्ट जो है उसको डिलीट कर लेना है, प्लस आइकन जाना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है, जाने के बाद जो आपने अभी क्रिएट किया था उसको आपको ऐड करना है जो कि इस तरह कुछ दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, देख सकते हैं राउंड वाला जो शेप है उसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद राइट क्लिक करना है जो कि इस तरह कुछ आ जाएगा। उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन जाना है, जाने के बाद आपको रिलेटिव पोजीशन में जाके 2 नंबर 5 नंबर करेंगे तो बीचों बीच आ जाएगा। उसके बाद राइट क्लिक करना है, उसके बाद साइड में जाना है, जाने के बाद इधर से देख सकते हैं स्ट्रोक, तो उसके ऊपर क्लिक करके उसके स्ट्रोक को इनेबल करना है। करने बाद उसके स्ट्रोक का जो वैल्यू है आपको इधर से 7% कर लेना है। उसके बाद राइट क्लिक करना है जो कि इस तरह कुछ दिखा देगा। फिर से इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको इधर से क्या करना है, शैडो में जाकर उसका शैडो को थोड़ा आपको इनेबल कर लेना है जो कि इस तरह कुछ साइड में जो कि शैडो ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट, तो उसके ऊपर क्लिक करना है, ये जो लोगो है ट्रांसपेरेंट साइड में हो जाएगा, ये लोगो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेव करने के लिए सेम ऑप्शन, सेव के ऊपर क्लिक करना है, सेव एज इमेज डिफॉल्ट में जाके उसको आपको अल्ट्रा में जाकर सेव टू गैलरी करेंगे तो ये जो लोगो PNG में आपको सेव कर लेना है।